हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। बच्चों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, किसी भी प्रोफेशन में आपको आगे जाना है ना, तो एक क्वालिटी, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होती है उस प्रोफेशन के प्रति निष्ठावान रहना। ठीक है, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी इज़ फ्रॉम डेली, हर नेम वॉज शिखा। बच्चों, ये स्टूडेंट जो थे, मतलब दिल्ली से पुणे आए थे पढ़ने के लिए, और ये मेरे स्टूडेंट थे 2013 में। ये जो है, ये कर रहे थे सीए। सीए के इन्होंने सीपीटी इनका क्लियर हो गया था, आईपीसीसी था इनका, उसके 3-4 एग्जाम इन्होंने दे चुके थे, बट उनके वो एग्जाम क्लियर हो ही नहीं रहे थे। और आई बिलीव ये इनका जो चल रहा था, ये बीकॉम सेकेंड ईयर में थी या थर्ड ईयर में थी शायद। उसके बाद ये मेरे पास आई और इन्होंने कहा कि सर यार, मेरे से सीए तो निकल नहीं रहा है, मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है, और सर अब मैं सीएस करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला दैट्स रियली ग्रेट थिंग, बट आप कर सकते हो, मतलब सीएस में ऐसा है कि थोड़ा सा आप जल्दी कर लोगे, और आपका इंटरेस्ट अगर थियरी में है तो ही आप सीएस करो। शी सेड कि सर अभी तो मुझे इंटरेस्ट तो नहीं पता, बट चूंकि आई एम नॉट एबल टू क्लियर सीए, सो आई कैन लाइक मैं उतनी ही मेहनत अगर सीएस में करूँ तो सर मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ अच्छा होगा, और आपसे लॉ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थियोरी में इंटरेस्ट आता है। मैंने बोला यू कैन गिव इट अ ट्राई बेटा, तो अपन सीए स्टार्ट करते हैं और साइड में अपन सीए भी रखते हैं। तो उसने सीए स्टार्ट कर दिया, और बच्चे उसके जितने भी दोस्त थे, आप सबको पता है, वो सब तो सीए ही कर रहे थे। तो वो जो लोग हैं वो उसको हमेशा चिढ़ाते थे कि यार तू तो सीएस कर रही है, अब क्या होगा ये और वो। एंड देन बच्चे उसका मेरे पर फेथ बहुत ज्यादा था, तो मुझे भी ये सारी चीजें बेचती थी। तो मैं उसको बोलता था कि डोंट वरी, बी लाइक सचिन, अपन सीधे छक्का मारेंगे आखिरी में मैच जीतने के लिए। मैं उसको एक ही चीज बोलता था कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, तुम उनसे इक्वल या उनसे ज्यादा ही कमाओगी, ये मेरा तुमसे वादा है। तो और सीए में थी तो उनको हार्डवर्क करने की तो ऑलरेडी आदत थी, तो उन्होंने बच्चों सीए स्टार्ट किया, एंड सीपीटी के आधार पे उन्होंने डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर किया। एग्जीक्यूटिव के लिए उन्होंने रजिस्टर किया, बिलीव मी, दोनों ग्रुप उनके एक बार में क्लियर हो गए सीएस एग्जीक्यूटिव के। 10 से 11 घंटे रेगुलर पढ़ाई, देन उन्होंने पूरे एक सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की वापस से क्लासेस ज्वाइन की। ठीक है, 10 से, और उसके बाद 10 से 11 घंटे पढ़ाई, शी क्लियर बोथ द ग्रुप्स। उसके बाद शी स्टार्टेड विद सीएस प्रोफेशनल, आर्टिकलशिप उन्होंने स्टार्ट की, शी स्टार्टेड विद प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में तीन, उस समय 4 ग्रुप हुआ करते थे, 4 में से 3 ग्रुप शी क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद एक ग्रुप जो बचा था वो उन्होंने 6 महीने के बाद अपनी आर्टिकलशिप करते करते किया। उसके बाद उन्होंने जो जादू करना शुरू किया, आप सोच के खुश हो जाएंगे। पुणे में शी स्टार्टेड विद हर जॉब, आर्टिकलशिप के बाद उनका जो जॉब शुरू हुआ दैट स्टार्टेड इन पुणे। उनका पुणे में जो जॉब स्टार्ट हुआ वो एक बहुत ही बड़ी बेसिकली बायोफ्यूल की बेसिकली मशीनरी कंपनी है, जो बेसिकली उन चीज़ों के प्रोडक्ट बनाती है, मतलब इट वॉज अ लिस्टेड कंपनी। तो उनको जो शुरू का पैकेज मिला वो उनको कुछ 4.5 लाख का मिला। एट प्रेजेंट शी इज वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन पुणे, एंड हर पैकेज इज इक्वेलेंट टू 10 लाख रुपीज। तो बच्चों फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे जो दोस्त थे जो सीए कर रहे थे, उनसे तुम पूछो उनका पैकेजेस कितने हैं। तो उसने बोला कि सर, मतलब सबसे पहली बात तो कि मैं सबसे 2 साल पहले सीएस बन गई, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा तो ये एडवांटेज है। वो भी अभी समवन इज अर्निंग 8, समवन इज अर्निंग 9, बट मैं अभी हाईएस्ट हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं यंगेस्ट, मतलब एक तरह से, मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। ठीक है सर, कुछ मेरे दोस्त हैं जो सीए करके अब्रॉड गए हैं, तो वो अभी थोड़ा सा ज्यादा है, बट मैं बाकी लोगों में तो सबसे ज्यादा टॉपर में ही हूँ, और सर कई लोग तो अभी भी सीए कर रहे हैं। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी कि यार मुझे एक चीज बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब आप अपने प्रोफेशन में इतने आगे कैसे निकल गए, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे लोग नेगेटिव चीजें बोलते थे कि यार तू ऐसा कर, तू ये क्या है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये वो, दुनिया भर की चीजें बोलते थे। तो आप में क्या आपको एक चीज लगी कि आप इतना आगे निकल गए? उसने मुझे सिर्फ एक ही चीज कही, सर लॉयल्टी। मैं अपने प्रोफेशन के साथ इतनी ज्यादा जुड़ी रही, मैं सर इस प्रोफेशन के पीछे पागल हो गई थी। पागल मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ लॉ ही भरा हुआ है। मैं मतलब मुझे हर जगह कंपनीज एक्ट ही देखता, और मैं कंपनीज में भी काम करते गया। उसने ये भी कहा कि सर अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मेरा पैकेज शायद अभी मैं कोई स्विच ओवर कर लेती, या मेरी कंपनी में मेरा पैकेज कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता। बट स्टिल सर मैं अपने प्रोफेशन में एकदम घुस चुकी हूँ, मेरे दिमाग में 24 घंटे वही रहता है, एंड आई एम डूइंग क्वाइट ग्रेट सर। 5 साल के अंदर, शी सेड मी सर, 5 साल के अंदर मैं आपसे जब मिलने आऊंगी, सो आई वुड बी कमिंग टू मीट यू इन अ मर्सिडीज। तो बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अभी वो 30 की हैं, तो 35 तक वो सोच रही हैं कि कुछ अच्छा कर लेंगी, और काफ़ी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। तो बच्चे बस इस स्टोरी से, मैं शिखा की स्टोरी से, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा
कि प्लीज 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 अपने प्रोफेशन से काफी ज्यादा लॉयल रहें और घुस जाए बच्चों उसमें, किसी भी प्रोफेशन में हो ना बच्चों घुस जाए। बीकॉम करने वाला भी कई बार करोड़ों कमाता है क्योंकि वो जो काम करता है ना उसमें घुस जाता है। पान बेचने वाला भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है क्योंकि वो पान बेचने की कला में इतना महारत हासिल कर लेता है कि उसके ऐसा पान कोई नहीं बना सकता। सो बच्चों बस अपने प्रोफेशन, चूंकि आप लोग अपने प्रोफेशन में डोंट चेंज योर प्रोफेशन, साला पान बनाना चालू मत कर देना, बट अपने प्रोफेशन में घुस जाइए बच्चों और कमाल करके दिखाइए लाइफ आपकी।